लास्ट क्लास में अपन ने जब पढ़ रहे थे तो अपन ने क्या पढ़ लिया था बेटा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हमें बस सिंपल सा पाइप बॉन्ड के बारे में सीखा, ज्यादा कोई काम की चीज है। आज अपन एक नई थ्योरी पढ़ेंगे जिसका नाम है बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अगर बात करें तो इसकी खुद की थ्योरी बहुत बड़ी है, डेढ़ एक पन्ने के मतलब दो पन्ने लिखवाने पड़ेंगे खड़े खड़े, क्लियर है? और जब लिखवाएंगे तब समझ में नहीं आएगी। इससे अच्छा मैं पहले पढ़ा देता हूँ ट्रिक ट्रुक से और उसके बाद देखेंगे थ्योरी को। उसके बाद क्या देखेंगे? थ्योरी को। पहला क्या करते हैं अपन, उसको पढ़ा देते हैं, क्लियर है? तो जो सबसे पहले बात करेंगे तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसे हम वीबीटी बोलते हैं, ये जब शुरुआत में जब आई तो इसने क्या कहा था कि बेटा हाफ फील्ड, इसने एक लाइन बोली कि हाफ फील्ड और ऑर्बिटल ओवरलैप एंड फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। इसने कहा आधे ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल आधा भरा हुआ है, ना तो पूरा भरा हुआ ना खाली ऑर्बिटल, सिर्फ आधा ऑर्बिटल। इसने आधे का क्यों कहा? क्योंकि मुझे पता है ए और बी मिलके बॉन्ड बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन है इसका, तभी तो बॉन्ड बनेगा। अगर इसके पास दो होते, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले कहा था बॉन्ड तो ऑर्बिटल बनाते हैं, बॉन्ड क्या बनाते हैं? अगर मान लो ए का एक ऑर्बिटल है उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, इसके एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, मिक्स कैसे होंगे? मिक्स ऑर्बिटल होते हैं। और अगर इनके ऑर्बिटल मिक्स हुए तो इसने दो दिए और इसने एक दिया, क्या साझेदारी हुई क्या किसी तरह की? साझेदारी कब हो सकती है? जब ये एक दे और ये भी एक दे, और ये एक तभी दे सकता है जब इसके ऑर्बिटल में क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन, तभी तो इनके दोनों, मैंने कहा ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, कौन मिक्स होते हैं? और ऑर्बिटल तभी मिक्स होंगे जब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो। तो मतलब हाफ फील्ड ऑर्बिटल कौन से बेटा? ऑर्बिटल ओवरलैप एंड फॉर्म है, आगे पास में ये इसकी थ्योरी वैसे तो बहुत बड़ी है, मैंने बस एक सिंपल सी लाइन में समझाया, लास्ट में समझाऊंगा पूरी थ्योरी, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा क्या क्या थे, पहले मैं समझा देता हूँ पूरी थ्योरी को। आगे बात में काम की चीज ये थी, इसने थ्योरी में ओवरलैपिंग वर्ड यूज किया। ये ओवरलैपिंग क्या होता है? देखो ये ओवरलैपिंग थ्योरी आते ही फ्लॉप हो जाती है, लेकिन इसका फिर से वापस क्या होता है, अपडेटेड वर्जन आता है। अपडेटेड है, पूरी तरह गलत नहीं थी, बट एक चीज में एरर थी, एक चीज इसमें क्या थी बेटा? एरर, बाकी परफेक्ट थी, बट एक छोटी सी एरर थी। क्या छोटी सी एरर? पहले हम इस थ्योरी को पढ़ते हैं फिर मैं इसकी एरर बताता हूँ। ओवरलैपिंग थ्योरी क्या कहता है? मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटम, कि दो एटम ए और बी है, तो मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटम ऑर्बिटल, इस एटम का ऑर्बिटल और इस एटम का ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। तो मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटम ऑर्बिटल नॉन एज ए ओवरलैपिंग। भाई ओवरलैपिंग क्या है बेटा? कि ओवरलैपिंग है दो अलग अलग एटम के ऑर्बिटल का आपस में मिक्स हो जाना, हमारी पास में। अब मिक्सिंग कौन करेंगे? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप टू ईच अदर, आधे भरे हुए ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे। बोलो कोई दिक्कत है? समझा गया? ये ओवरलैपिंग थ्योरी थी। ओवरलैपिंग क्या कहता है? दो अलग अलग एटम होने चाहिए, उनके ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर जाएं, उनके ऑर्बिटल आपस में क्या कर जाएं? मिक्स। तो हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे आपके पास सी एच फोर है, सी एच फोर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p2, यही है बेटा। अब आपको पता है कि 2s2 2p2 है, तो इसकी ग्राउंड स्टेट तो यही होगी बेटा, इसकी क्या है? ग्राउंड स्टेट। बोलो कोई दिक्कत है? अगर मैं ग्राउंड स्टेट को देखूं और इस ओवरलैपिंग थ्योरी को देखूं तो इसके पास बॉन्ड बनाने के कितने मौके? सिर्फ दो ही मौके, क्योंकि इसने कहा था हाफ फील्ड ऑर्बिटल है वो बॉन्ड बनाता है, तो हाफ फील्ड तो इसके पास दो ही है, तो ये कितने बॉन्ड बना सकता है? दो। लेकिन हमने कहा बॉन्ड तो चार बनाता है CH4, तो उसने कहा ग्राउंड स्टेट नहीं एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाता है। अब एक्साइटेड स्टेट को हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था, तो क्या बोलते थे? एटॉमिक कैसे बोलते थे? n=1 से किसी एक्साइटेड स्टेट में जाना, तो वहां तो केवल फर्स्ट ही ऑर्बिट थे ना, यहाँ तो फर्स्ट ऑर्बिट थोड़ी है, तो सेकंड थर्ड सब ऑर्बिट है, तो यहाँ ग्राउंड स्टेट नहीं बोल के अपन क्या बोलेंगे बेटा? तो अब एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, एक्साइटेड का मतलब क्या है? लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाना, 2s से 2p में जाना एक्साइटेड हुआ, क्योंकि 2p की एनर्जी 2s से क्या है? ज्यादा, यही तो बात हुई थी। पर वहां अपन ऐसे बोलते थे 1 से किसी ऑर्बिट में जाना, क्योंकि वहां 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, यहाँ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो जो आप इलेक्ट्रॉन भरते हो जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में, वही आपकी ग्राउंड स्टेट है, वही आपकी क्या है? ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ पे मैंने इसको एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके आगे चला गया, बोलो कोई दिक्कत है? और ये आपकी आगे एक्साइटेड स्टेट की आगे बेटा। अब एक्साइटेड स्टेट में मेरे पास कितने ऑर्बिट है बेटा? चार। देख लो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, तो एक दो तीन चार ऑर्बिट है, और हर ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या अब ये चार बॉन्ड बनाने की योग्यता रखता है? तो अगर ये चार बॉन्ड बनाने की योग्यता रखता है, ओवरलैपिंग थ्योरी कहती है कि बॉन्ड तभी बनेगा जब एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल को मिक्स करेगा। तो अब सिंपल सी कहानी, कार्बन को चार हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाना, तो चार हाइड्रोजन आ जाएंगे, हाइड्रोजन नंबर 1 2 3 4, और सारे हाइड्रोजन के पास क्या है बेटा? एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हाइड्रोजन भी हाफ फील्ड और ये भी हाफ फील्ड है,
और हमने इनको कहा मिक्स कर लो, हमने इनको क्या कहा मिक्स कर लो। तो मिक्स कैसे करेंगे, 2s और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल मिक्स करेगा, इसका 2p और 1s मिक्स करेगा, 2p और 1s मिक्स करेगा 2p और a। तो यहां पे जो ओवरलैपिंग हुई है ये वाली, ये ओवरलैपिंग किस में हुई है, एक का 2s ऑर्बिटल एक का 1s, तो क्या मैं इस ओवरलैपिंग को 2s 1s ओवरलैपिंग नाम दे दूं, बोलो भाई। और अगर मैं इधर बात करूं तो यहां पे किस में मिक्सिंग हुई है, इसका 2p इसका 1s, 2p 1s 2p 1s, तो क्या ये तीनों को मैं सेम बोल दूं कि सारी की सारी क्या है 2p 1s ओवरलैपिंग है, कैसी ओवरलैपिंग है, कितनी 2p 1s ओवरलैपिंग है, तीन, तो तीन तो है 2p 1s ओवरलैपिंग, और एक क्या है 2s 1s ओवरलैपिंग, कितने बॉन्ड बने, चार बॉन्ड, समझ में आया। क्या ये दोनों ओवरलैपिंग सेम है क्या, अलग है, अलग है, एक का 2s का 1s से ओवरलैपिंग, एक का 2p का 1s से, तो ये ओवरलैपिंग तो क्या है, डिफरेंट है। अब हम इसका मतलब क्या हुआ कि CH4 में दो तरह के बॉन्ड है, तीन हाइड्रोजन का तो बॉन्ड ऐसा है और एक हाइड्रोजन का बॉन्ड ऐसा है, तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंटली भी तीन दो तरह के बॉन्ड आने चाहिए थे, लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो चारों बॉन्ड सेम मिले, चारों बॉन्ड क्या मिले, और जैसे चारों बॉन्ड सेम मिले हमने कहा इस थ्योरी में तो एरर है, बात तो ठीक है बॉन्ड तो बता रहा है लेकिन एरर है, चारों बॉन्ड तेरी थ्योरी के हिसाब से तो क्या आ रहे, दो तरह के बॉन्ड, और मैं कहता हूं बॉन्ड आने चाहिए एक तरह के, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट से देखे, किससे देखे, तो हमने इसकी बात बनी नहीं, तो इसने कहा कि कोई ना मैं अपडेटेड वर्जन दूंगा, क्या दूंगा, ओवरलैपिंग आते ही पिट गई बेटा, पहले एग्जांपल में पिट गई थ्योरी, आ रही बात में, चलो जी, तो ये समझ में आया सबको, ये थ्योरी क्यों फेल हो गई, तो डायरेक्ट ओवरलैपिंग ऑफ मॉलिक्यूल कुड नॉट प्रोसीड, ये डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, कुछ तो बीच में हो रहा है, कुछ तो बीच में झोल है हो रहा है, और उस झोल का नाम है हाइब्रिडाइजेशन, क्या नाम है, तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ध्यान समझेंगे, जेड की जगह कहीं कई बार एस में लिखा रहता है स्पेलिंग में हाइब्रिडाइजेशन में, वो यूएस यूके इंग्लिश का फर्क है ना, ठीक है। अब जो बड़ा हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें कि भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है, तो देखो हाइब्रिडाइजेशन एक नाम से पता है कि बड़ा हाइब्रिड बनना, क्या बनना बेटा, हाइब्रिड, क्लियर है। तो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी कहती है कि बॉन्ड सीधे नहीं बने, यहाँ पे क्या कहा कि बॉन्ड सीधे बन गए, इसने कहा नहीं, इनको ऑर्बिट बनाने से पहले ये ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो गए, आपस में मतलब सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल डायरेक्ट बॉन्ड बनाने नहीं जाते, सब आपस में मिक्स हो जाते हैं। सिंपल सी कहानी है कि जैसे तुमने क्या किया बेटा, रोटी ली आधा किलो, आधा किलो तुमने सब्जी ली, ठीक है, पाव भर तुमने दही ले लिया, अब तुम एक रोटी से पहले सब्जी का टुकड़ा लगाते हो खा लेते हो, एक टुकड़े से दही को लगाए खा लेते हो, ये तो डायरेक्ट ओवरलैपिंग है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल। अब मैं क्या करूं कि सबको मिक्स कर दूं, सबको क्या कर दूं बेटा मिक्स, तो स्वाद में क्या होगा बेटा, एकदम परफेक्ट स्वाद आएगा। अगर आप ऐसे खाओ, एक टुकड़े से सब्जी खाओ, एक टुकड़े से दही खाओ, तो आपको कभी सब्जी का स्वाद आएगा, कभी दही का, आपको कहोगे दो तरह के स्वाद है, लेकिन मैं सबको मिक्सी में डाल के मिक्स कर दूं, क्या कर दूं बेटा, अब खाऊं खाओ, तो तुम क्या कहोगे कि सर हर टुकड़े में दही का स्वाद, हर टुकड़े में सब्जी का स्वाद, बस रोटी का स्वाद नहीं आ रहा होगा, नहीं रोटी का तो रहेगा ही, वो तो कहां जाएगा। तो इसे बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, क्या बोलते हैं, आप इसी चीज को समझ सकते हो खिचड़ी से, खिचड़ी में क्या होता है, मूंग और चावल की खिचड़ी बनाओ, मूंग दाल और चावल की खिचड़ी, उसमें आप चावल का टुकड़ा खाओ उसमें मूंग का स्वाद आता है, और मूंग वाले टुकड़े को उठा खाओ उसमें चावल का स्वाद आता है, वो क्या हो गया मिक्स हो गया, क्या हो गया बेटा मिक्स। तो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी यही कहती है बेटा, ध्यान समझो, पहले तो ये चीज क्या है, इट्स हाइपोथेटिकल थ्योरी, कैसी थ्योरी है बेटा, हम में से किसी ने होते हुए देखा ही नहीं, हम में से किसी ने होते हुए, बट हमारे मैथमेटिकल जो डाटा वो कहते हैं हो रही है, बस हम ही अभी अज्ञानी है, हमारी औकात नहीं है कि हम देख पा रहे, लेकिन मैथमेटिकल डाटा तो क्या कहते हैं, अब हमने क्या किया, देखा तो है नहीं, तो इंसानी कल्पना है कि ऐसा ऐसा दिखता होगा, ऐसा ऐसा भाई, जो चीज दिख जाए उस पर तो भरोसा है, लेकिन जो चीज दिखे नहीं उस पर क्या होते है बेटा, इंसानी मतलब होता है ना सोच है, ऐसा ऐसा दिखता होगा, तो तुम में से कोई ये नहीं कहेगा सर ऐसा ही क्यों दिखा, इंसानी सोच है, हमने देखा है नहीं, हमने देखा, तो किसी ने कहा ऐसा मान लो, तो लोगों ने कहा ठीक है मान लेते हैं ऐसा दिखता है, आर्यवासन में बोलो कोई दिक्कत है, तो सिंपल सी कहानी है बेटा, इट्स हाइपोथेटिकल, पहली बात तो क्या, ये एक पूरी तरह हाइपोथेटिकल थ्योरी, क्लियर है। अब ध्यान से कि होता क्या है, ये क्या कहता है, मिक्सिंग ऑफ आउटर मोस्ट हाफ फील्ड, मिक्सिंग ऑफ आउटर मोस्ट हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल, जबकि ओवरलैपिंग क्या करती है हाफ फील्ड, पर ध्यान समझना, मिक्सिंग ऑफ मिक्सिंग होगी किसकी, हाफ फील्ड की होगी और फुल्ली फील्ड की भी होगी, लेकिन आउटर मोस्ट किसकी होगी बेटा, तो मिक्सिंग ऑफ आउटर मोस्ट हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल फॉर्म न्यू ऑर्बिटल नॉन एज ए हाइब्रिड ऑर्बिटल,
जैसे मेरे पास कार्बन है, उसका भी आपने देखा 2s2 2, यही तो था एक्साइटेड स्टेट में। तो उसने कहा बॉन्ड बनाने से पहले सेंट्रल एटम क्या करता है, इन चारों ऑर्बिटल को मिक्स कर देता है। क्या कर देता है, जैसे मैंने कहा कि दही लो, सब्जी लो, रोटी लो, सबको मिक्स कर दिया। ये क्या करता है, एस ऑर्बिटल को उठाता है, पी को उठाता है, सबको मिक्स कर देता है। सबको क्या करता है, मिक्स। आरी वास्तव में, ताकि सबको सेम मिले। सबको क्या मिले, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल। कौन करता है, सेंट्रल एटम कौन करता है। जबकि ओवरलैपिंग क्या है, दो डिफरेंट एटम के ऑर्बिटल का मिक्स होना। जबकि यहाँ दो डिफरेंट एटम नहीं है, सेम ही एटम है। कौन है बेटा, इन सेम एटम के ऑर्बिटल को आपस में मिक्स कर देता है। क्या कर देता है, मिक्स। और इनको मिक्स करके नए ऑर्बिटल बनाता है। क्या बनाता है, उस नए ऑर्बिटल को बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, नेक्स्ट देखो, दिस फिनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल नोन एज ए हाइब्रिडाइज। हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना मतलब जो सेंट्रल एटम है वो अपने आउटर मोस्ट, हाफ फील्ड और फुली फील्ड को मिक्स कर देता है। क्या कर देता है, मिक्स करके नए बनाता है। मिक्स करके क्या बनाता है, नए। और जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उन्हीं का नाम क्या है बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। आई बात में, अब देखो इसमें हाइब्रिडाइजेशन से रूल बताया कि कैसे करना है। इन हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, जितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, इन हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आर इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल। जितने ऑर्बिटल बेटा इंटरमिक्स होंगे, जितने ऑर्बिटल है उतने नए बनेंगे। अगर दो ऑर्बिटल ने आपस में मिक्स किया तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, दो। भाई आपने आधा किलो सब्जी ली, आधा किलो रोटी ली, इनको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद जो बना वो कितना बनेगा, एक किलो। तो एक्स्ट्रा नहीं बनेगा, ना कम बनेगा, ना कम। क्लियर है, तो जितने ऑर्बिटल मिक्स करेगा उतने ही नए बनेंगे, उतने क्या बनेंगे, नए बनेंगे। दो मिनट रुक जा, एग्जाम्पल तो पूरी थ्योरी समझाऊंगा तभी तो आएगा। दो मिनट रुक जा, बस तीन लाइन का एग्जाम थ्योरी है पूरी। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे बेटा, जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे। जैसे अगर मान ले कार्बन में, अभी तो मैंने बताया कि उसके पास चार ऑर्बिटल है, अगर ये चारों मिक्स होंगे तो नए चार बनेंगे। नए कितने बनेंगे, चार। अभी थ्योरी एक साथ समझाता हूँ ना, थ्योरी समझ लो, फिर चीज सबको समझ में आई बेटा। नेक्स्ट वन कहता है ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऑल ए जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे हैव इक्वल एनर्जी, सबकी एनर्जी सेम होगी। सबकी एनर्जी क्या होगी, सबकी साइज सेम होगी, सबकी शेप सेम होगी। क्लियर है, बट डिफरेंट 3D ओरिएंटेशन। 3D ओरिएंटेशन का मतलब होता है हर कोई अपनी अपनी अलग अलग डायरेक्शन में होगा, हर कोई अलग अलग डायरेक्शन में। आई बात में, जितने ऑर्बिटल बनेंगे सबकी साइज सेम। जैसे मैंने अभी समय बताया कि अगर आप मिक्स करके खाते हो तो उसमें हर टुकड़े में क्या आएगा बेटा, सब्जी दही सबका स्वाद आएगा। तो उसने कहा हर ऑर्बिटल एकदम एक सा, बस डायरेक्शन अलग अलग हो, क्या होगी बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा क्या बनाते हैं, तो सिर्फ मैं सिग्मा बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन कर पाऊंगा, पाई बॉन्ड की नहीं। क्लियर है, हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं। एक ऑर्गेनिक में इंटरमीडिएट आता है बेंजाइन, क्या आता है बेटा, उस बेंजाइन में जरूर जो आपका पाई बॉन्ड बना हुआ है ये वाला, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का है। लेकिन ये कोई कंपाउंड नहीं है, ये एक इंटरमीडिएट है। ये क्या है बेटा, ये ऑर्गेनिक में आएगा तब समझाऊंगा, अभी कोई मतलब है नहीं। तुम तो बोलना कोई कंपाउंड नहीं है, बस इसको छोड़ के, इसको मैं आगे बता भी दूंगा। बोलो कोई दिक्कत है, समझा क्या। तो नेक्स्ट क्या आ गया बेटा, इन हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल पार्टिसिपेट। नेक्स्ट क्या है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। आप ऑर्बिटल देखोगे, क्या देखोगे, इलेक्ट्रॉन नहीं देखोगे। क्या नहीं देखोगे, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट वन है हाफ फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम। हाफ फील्ड है हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के हाफ फील्ड क्या बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विथ सराउंडिंग एटम एंड फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। ये भाई वापस ओवरलैपिंग थ्योरी आ गई। ओवरलैपिंग थ्योरी क्या थी कि सेंट्रल एटम का एटम हाइब्रिड ऑर्बिटल के एटम के ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे थे, बस सेंट्रल एटम का ऑर्बिटल और सराउंडिंग एटम का ऑर्बिटल ये डायरेक्ट मिक्स हो रहे थे। इसने कहा डायरेक्ट नहीं होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल सेंट्रल एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल सराउंडिंग के साथ क्या करेगा, ओवरलैप। क्या करेगा, ओवरलैप, और क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। अब ये तो थ्योरी थी, अब मैं एक एक लाइन को वापस से एग्जांपल से रिपीट करता हूँ। इसी CH4 को वापस उठाया बेटा। CH4 का क्या है बेटा, अपने पास में कार्बन 2s2 2p2, ये उसकी ग्राउंड स्टेट है, ये उसकी क्या है। और हमें पता है अगर पॉसिबल हो तो एक्साइटेड स्टेट बनाओ, तो ग्राउंड का क्या बनाया हमने, एक्साइटेड स्टेट। क्या बनाया, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड में चला गया। अब आप मुझे बताओ कितने आपके पास ऑर्बिटल है बेटा, चार ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल है, तो मैंने अभी हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी क्या कहती है कि आउटर मोस्ट हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड। तो मेरे पास चार हाफ फील्ड है, चार है,
क्या किस में जाते हैं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। देखो एक ही सेंट्रल एटम के, किसके सेंट्रल एटम के आउटरमोस्ट हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ये चारों आपस में मिक्स हो जाएंगे, चारों आपस में क्या हो जाएंगे, और जब चार मिक्स होंगे तो उसने कहा कि जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही नए बनेंगे, तो मैंने चार नए बना दी हमारे पास में। और जो ऑर्बिटल बनेंगे वो एनर्जी शेप साइज सब में सेम होंगे, सब में क्या होंगे, तो चारों की एनर्जी सेम बनानी है। सेम एनर्जी का मतलब तेरह को चारों को मैं एक साथ बनाया, चारों को मैंने एक साथ बनाया, इसका मतलब चारों की एनर्जी सेम है। जैसे एक वर्ड होता है डीजनरेट, क्या होता है डीजनरेट, वर्ड का मतलब होता है इक्वल एनर्जी, क्या होती है, यहाँ इक्वल नहीं थी, पी वाला अलग था एस वाला अलग था, मैंने को इनको मिक्स कर दिया, क्या कर दिया। अब जब मैंने इनको मिक्स कर दिया तो आपको पता है मिक्स करने से आपने एक तो एस ऑर्बिटल लिया और तीन है पी ऑर्बिटल, और तीनों को मिक्स किया तो हर ऑर्बिटल का नाम होगा sp3, क्या नाम होगा भाई, सब हर ऑर्बिटल का नाम, ये चार बने, चारों का नाम क्या होगा sp3, क्योंकि मैंने एक एस और तीन पी को मिलाया अच्छे से, एकदम अच्छे से मिल गए होमोजेनियसली, फिर टुकड़ा टोड़ टोड़ के लिखा तो सब में एस करेक्टर होगा, सब में पी करेक्टर होगा, तभी तो हाइब्रिड हुआ, तभी तो क्या हुआ, बोलो कोई दिक्कत है पक्का, तो सब में क्या आ गया बेटा हाइब्रिड, क्या आ गया, और सब सेम बने, सब क्या बने सेम। अभी तो इसमें सिर्फ एस करेक्टर था, इसमें क्या है पी करेक्टर, डायरेक्ट ओवरलैपिंग में ये तो दिक्कत आ रही थी, अब क्या है सब में सेम एस करेक्टर, सब में सेम है पी करेक्टर, तो आगे सबको समझ में। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना ये ओवरलैपिंग करेंगे, तो वापिस ओवरलैपिंग थ्योरी होगी, किसके साथ करेंगे सराउंडिंग के साथ, और कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल करेंगे जो हाफ फील्ड है, क्योंकि ओवरलैपिंग हमेशा किसमें होती है हाफ फील्ड में, जबकि हाइब्रिडाइजेशन में हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड है, सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सभी पार्टिसिपेट है। तो अब आपके पास चार हाइड्रोजन एटम आएंगे, कितने हाइड्रोजन, पहले तो इलेक्ट्रॉन भर लो, कितने इलेक्ट्रॉन थे चार थे, तो देखो एक दो तीन चार, देखो ऐसे भरोगे ना एक दो तीन चार, क्योंकि इक्वल एनर्जी में, तो पहले एक एक भरते बाद में पेयरिंग करते, यहां तक समझ में आया। अब आपको क्या है बताइए, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेंगे ओवरलैपिंग, क्या करेंगे किसके साथ सराउंडिंग एटम के साथ, किसके साथ है, ये आपके पास सराउंडिंग एटम है, चार हाइड्रोजन पहुंच गए बेटा यहाँ पे, ये हाइड्रोजन का 1s इसके sp3 से, इसका 1s इसके sp3 से, इसका 1s इसके sp3 से, इसका 1s इसके, तो हाइब्रिडाइजेशन किस में हुई बेटा sp3 और 1s में, sp3 और, तो क्या चारों की चारों हाइब्रिडाइजेशन सेम हुई, ओवरलैपिंग सेम है कि नहीं है, क्योंकि हर बार कार्बन का sp3 हाइड्रोजन का 1s sp3 1s और चारों बॉन्ड क्या आ गए सेम, और हमने कहा ये बात हमारी थ्योरी को क्या कर गई, हमारे एक्सपेरिमेंटल डाटा को क्या कर गई सेटिस्फाइड, क्या कर गई, इस ओवरलैपिंग का नाम पूछता है तो हमें पता है सेंट्रल एटम का तो sp3 और सराउंडिंग का 1s, हम क्या नेक्स्ट देखो बेटा बॉन्ड पेयर कितने आए बेटा चार, चार बॉन्ड है। अब इसी थ्योरी से अगर मैं अमोनिया को एक्सप्लेन करना चाहूँ, किसको एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो अमोनिया के लिए हमें पता है अमोनिया की आउटर मोस्ट क्या 2s2 2p3 यही होता है, अगर मैं इसकी ग्राउंड स्टेट बनाऊं तो ये 2s2 और ये 2p3, अगर मैं इसकी एक्साइटेड स्टेट बनाऊं तो किस तरह एक्साइटेड स्टेट भी यही रहने वाली, मतलब इसकी कोई ग्राउंड एक्साइटेड में फर्क है, तो हमसे कई बार पूछ लेता है कि नाइट्रोजन किस ग्राउंड स्टेट में भी उतना ही बॉन्ड बनाता है, आप कहोगे उतना ही बनाता है, इसकी डायरेक्ट ओवरलैपिंग ग्राउंड में भी हो सकती है ना, इसे एक्साइटेड में जाने की जरूरत है। आगे बस पूछता है क्वेश्चन किन में से कौन सा जो ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बना सकता है, कार्बन ग्राउंड स्टेट में सिर्फ दो ही बना सकता है चार है, जबकि ये तो ग्राउंड में भी तीन ही बनाता है, एक्साइटेड भी कितना बनाएगा तीन ही, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल तो है ही नहीं, डी ऑर्बिटल तो, ये क्वेश्चन पूछता है कि ग्राउंड में भी कितने, ग्राउंड में कौन ऐसा जो ग्राउंड में बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन, क्योंकि एक्साइटेड में कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड थोड़ी बना रहा है, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, हमें पता है अपना पहला काम है हाइब्रिडाइजेशन, डायरेक्ट ओवरलैपिंग होनी नहीं है, अब ओवरलैपिंग हाइब्रिडाइजेशन किस में होती है बेटा हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड, तो ये आउटर मोस्ट हाफ फुल्ली फील्ड, ये आउटर मोस्ट है हाफ फील्ड, तो एक एस और तीन पी, तो कितने मिलाए बेटा मैंने चार, तो नए भी कितने बनाऊंगा चार, तो नए मैंने चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए, क्या बना लिए चार है, और हर का नाम क्या होगा sp3, क्योंकि एक एस और तीन पी, देखो इलेक्ट्रॉन मत देख लेना कि सर इलेक्ट्रॉन एस के दो है तो s2 लिख लो ना, ऑर्बिटल तो एक ही लिया है ना, इलेक्ट्रॉन से मेरा कोई लेना देना, अरे चमका क्या चमका लो पक्का, तो कहीं बच्चा क्या करता है s के दो इलेक्ट्रॉन तो s2, p के तीन इलेक्ट्रॉन तो sp3 s2 p3, ऐसा नहीं करने का, ऑर्बिटल में डब्बा देखो मैंने डब्बा तो एक लिया, इसके तीन डब्बे तो एक s का डब्बा तीन p के डब्बे क्या हो गए sp3, ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, कौन करते हैं। अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है पांच, तो पांच कैसे भरोगे, एक दो तीन चार और पांच,
एक एक भरेंगे, बाद में पेयरिंग करेंगे। अब बताओ कि बॉन्ड कौन बनाएगा, क्या चारू बॉन्ड बनाने जाएंगे क्या? किस सर? चारू बॉन्ड बनाने, बॉन्ड बनाने कौन जाएंगे? तो बॉन्ड तो अब भी ये तीन ही बनाएगा। अरे बात में तो इसके हाफ फिल्ड ऑर्बिटल सराउंडिंग के आउटर मोस्ट से क्या करेगा बेटा? ओवरलैपिंग। तो अब बाद में देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और ये ओवरलैप करेंगे तो हाइड्रोजन के 1s 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 आ गए, और इसके साथ तीन बार ओवरलैपिंग करेंगे, इसके sp3 1s sp3 1s sp3 1s। तो क्या तीनों ओवरलैपिंग सेम, और उसका नाम क्या है? sp3 1s ओवरलैपिंग। आगे बात में सराउंडिंग आउटर मोस्ट लेना, सराउंडिंग का क्या लेना है? आउटर मोस्ट। अब तीन तो बॉन्ड पेयर आ गए, और एक जो ये वाला ये लोन पेयर रेजोनेंस बॉन्ड बनाने गया क्या, तो ये क्या हो गया? लोन पेयर। क्या हो गया? जो बॉन्ड बनाने नहीं गया वही तो लोन पेयर होता है। अब देखो यही लुइस में आया था, यही यहां पर है। अरे बोलो समका क्या? नेक्स्ट वन जैसे एक एग्जांपल और ले लें अपन, BH3। क्या ले लें? बोरोन की आउटर मोस्ट क्या है? 1s2 2s2 2p1। तो अगर मैं इसकी ग्राउंड स्टेट बनाऊं तो यही ग्राउंड स्टेट है 2s2 2p1, और इस ग्राउंड स्टेट को देखूं तो इसके कितने बॉन्ड बनाने की औकात है? एक बॉन्ड बनाने की, जबकि मुझे पता तीन बॉन्ड बनाने। इसका मतलब ये ग्राउंड में नहीं बनाएगा, एक्साइटेड में बनाएगा। किसमें बनाएगा? ये क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा जो ग्राउंड में बॉन्ड बना सकता है, तो चेक कर लो। हमने कहा तो ग्राउंड में तेरी औकात एक की है, तू कहता तीन बनाता हूं, तो कहता ग्राउंड में नहीं, मैं तो एक्साइटेड में बनाता हूं। जैसे नाइट्रोजन, हमने कहा कि तू कितने बॉन्ड बनाता है? कि तीन। एक्साइटेड में कि तीन, तो इसका मतलब ग्राउंड में भी तू तीन ही बनाता है, एक्साइटेड भेजने को जुड़ते नहीं। तो ये तो एक्साइटेड में जाएगा, तभी तीन पॉसिबल है। एक्साइटेड मतलब एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहां से यहां आ जाएगा। आगे बात सुन में, अब मुझे पता है पहले हाइब्रिडाइजेशन होगी, और हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड, इसका मतलब हाफ फील्ड तो ये तीन ही है, फुल्ली फील्ड तो कोई है नहीं, और वैकेंट है। वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएंगे, लेकिन यही चीज जब मैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ाऊंगा तो वहां उल्टा हो जाएगा, वहां वैकेंट ऑर्बिटल जाते हैं। कौन से जाते हैं? जो अपना 12th वाला टॉपिक है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, तो उसको तब देखेंगे, तब मैं दोनों को एक बार एक्सप्लेन और कर दूंगा, उसको उसी वक्त एक्सप्लेन करेंगे, अभी मैं इग्नोर कर रहा हूं, अभी उसको क्या कर रहा हूं? इग्नोर। ठीक है, जब उसको पढ़ाऊंगा तो ये तो तब तक आ चुकी होगी, और दोनों का कंपेयर करा दूंगा। क्या करा दूंगा? कंपेयर। अभी वो हमें आनी ही आती तो उसे इग्नोर, उसे क्या करें? तो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल जाएंगे बेटा, बोलो कोई दिक्कत है? और ये क्या जाएंगे? ओवरलैपिंग में। किसमें जाएंगे? तो इसका तो क्या आएगा बेटा? एस, और इसके दो पी, तो एक एस और दो पी गए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp। इलेक्ट्रॉन का कोई मतलब नहीं, ऑर्बिटल से मतलब है, और तीन ऑर्बिटल ही बने, क्योंकि देखो तीन मिक्स में बात हुई थी, जितने मिक्स होंगे उतने नए बनेंगे, और सबकी एनर्जी क्या होगी? सेम। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? तीन, तो एक दो तीन। अब तीन हाफ फील्ड है बेटा अपने पास में, ये तो वैकेंट है, इसका तो कोई लेना देना ही, ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गया, ये किसमें नहीं गया बेटा? और जो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाता उसे बोलते हैं नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? चमका। अब मुझे पता है मेरे पास तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल है, अब कितने हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने? तीन, तो तीन हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके पहुंच गए, हाइड्रोजन का 1s, इसका sp2, आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप। क्या करेंगे? और क्या बनेगा? sp2 1s ओवरलैप, sp2 1s, और सारी ओवरलैपिंग क्या है? सेम। बोलो कोई दिक्कत है? कितने बॉन्ड पेयर हैं? तीन बॉन्ड। अब देखो ये जो सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा? VBT। कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही एक्सप्लेन कर पाएंगे, पाई बॉन्ड को तो वैसे लुइस से एक्सप्लेन कर रहे थे, वैसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ऑक्टेट पूरा नहीं है तो एक बॉन्ड और बना दो, ऑक्टेट पूरा नहीं तो एक बॉन्ड और है। मैं सिर्फ सिग्मा बॉन्ड एक्सप्लेन करूंगा अगली एक दो क्लास तक, पाई बॉन्ड का अपने पास कोई एक्सप्लेनेशन है? अभी मैं पाई बॉन्ड वाली जगह खाली छोड़ता जा रहा हूं, ठीक है? एक बार सारी VBT समझ में आ जाएगी फिर मैं बता दूंगा देखो कहां कहां पाई बॉन्ड है, ठीक है? मैं पाई बॉन्ड वाली जगह खाली छोड़ता जाऊंगा ना, बताऊंगा नहीं यहाँ पाई बॉन्ड है, लास्ट में तुमसे पूछूंगा जहां जहां ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा खींच देना पाई बॉन्ड। आगे बात में पहले एक बॉन्ड को अच्छे से कर लेते हैं। अब देखो बेटा ये जो अभी अपन ने किया ना, ऐसी नोटंगी करने में बहुत टाइम लगता है, या एक्साइटेड में भेजो फिर यूं जोड़ो, अपन इस नोटंगी से भी ऊपर उठते हैं। इस नोटंगी से क्या उठते हैं? ऊपर। वो तो समझाने के लिए था, आपको थ्योरी समझ में आ जाए कैसे ओवरलैप हो रहे हैं। आगे से हम इस नोटंगी में जाएंगे अपन सीधा ही हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालेंगे। सीधे क्या निकालेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं बेटा? ये पूरा फॉर्मूला एक साथ है ना, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ए सेंट्रल एटम। सबसे पहले सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ढूंढो, गिन लिए, उसके बाद में उसमें नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम को जोड़ो। किसको जोड़ो बेटा? नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम ऑफ सराउंडिंग, ये चलो मैं बोल दूंगा, नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम। यूनिवेलेंट क्या होता है? दो मिनट तो अभी बताता हूँ, क्लियर है? सबसे पहले क्या करना है? सेंट्रल एटम को लेना है,
उसमें नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम को जोड़ना है और उसमें से माइनस कर दो चार्ज विद साइन, चार्ज विद, अगर मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज है तो उसके साइन समेत लेके उसे माइनस कर दो, क्या कर दो, और उसमें डिवाइडेड बाय टू कर दो पूरे फॉर्मूले को, पूरे फॉर्मूले को किससे डिवाइड कर दो, टू से। आगे बात सुन में, अब समस्या है कि यूनिवेलेंट एटम किसे कहते हैं, यूनिवेलेंट एटम उसे कहते हैं जो एक बॉन्ड बनाता है, जो कब है, जब वो सराउंडिंग में हो, जब वो, तो आपको सेंट्रल को यूनिवेलेंट नहीं देखना है, सेंट्रल तो काउंटेड ही नहीं है, यूनिवेलेंट किसको देखना है, सराउंडिंग में। तो यूनिवेलेंट कौन है बेटा, एटम दोज फॉर्म सिंगल बॉन्ड व्हेन दे आर सराउंडिंग एटम, व्हेन दे आर, तो यूनिवेलेंट हम उन्हीं को बोलेंगे जो सराउंडिंग है, जो क्या है बेटा, सराउंडिंग में भी वो जो एक बॉन्ड बनाता हो, कितना बनाता हो, जैसे ऑक्सीजन के लिए लिखाया था वो तो दो बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब वो यूनिवेलेंट है। नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, वो भी यूनिवेलेंट है। हमें तो सिर्फ यूनिवेलेंट ढूंढना है, और मोस्ट फेमस यूनिवेलेंट है बेटा फिर कल बाहर आई है, आंटी हटा दो, फिर कल बाहर आई, क्लियर, हेलोजन और हाइड्रोजन, इनके अलावा कोई यूनिवेलेंट है, चमका क्या, पक्का। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, जैसे हमने किसी ने कहा सी एच फोर को करो, किसको करो बेटा सी एच फोर, आपको कुछ करना है नहीं आपको, अब देखो एक और चीज बता देता हूँ, हमेशा सबसे पहले एस मिक्स होता है, फिर पी मिक्स होता है, और फिर कौन मिक्स होता है, डी, और डी में कितने डब्बे हैं बेटा, पांच। अब ध्यान समझो, एग्जांपल से करते हैं, अगर मुझे सबसे पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल को अपन एन से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, कि भाई कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जैसे अभी आपने यहां पे देखा मैंने कहा तीन बने, तो आपने मिक्स करके देखा कि तीन मिले, अब मैं आपको सीधे फॉर्मूले से निकालना सिखाता हूं कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं, एन की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की, एन क्या है, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल, कितने किसके पास है, सेंट्रल के पास, तो यहाँ सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट बताओ 1s2 2s2 2p2, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, चार, अगर कार्बन के आउटर मोस्ट में चार है, अब सराउंडिंग देखो, कार्बन सराउंडिंग नहीं है, सराउंडिंग में कौन आया, चार हाइड्रोजन, और एक कितने हाइड्रोजन है, चार, और चारों हाइड्रोजन यूनिवेलेंट है, तो जितने यूनिवेलेंट एटम है सबका नंबर जोड़ दो, यूनिवेलेंट एटम का इलेक्ट्रॉन नहीं लेना है, क्या लेना है, नंबर, क्या लेना है, इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ सेंट्रल का लेना है, किसका लेना है, यूनिवेलेंट एटम गिनने, कितने कितने, चार, कोई चार्ज है नहीं तो डिवाइडेड बाय टू, कितना आया, चार, एन की वैल्यू चार है, इसका मतलब चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, कितने बनेंगे, अब बच्चे के मन में आती है कौन से चार, तो शुरुआत ऐसे करनी है, शुरुआत कहां से करनी है, तो मेरे पास टोटल चार डब्बे होने चाहिए, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल तभी बनेंगे जब चार मिक्स होंगे, चार क्या होंगे, तो चार कहां से मिक्स होंगे, एक तीन, एक एस का और तीन बन गई एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन, चमका क्या, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। नेक्स्ट वन देखो, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने, चार, यूनिवेलेंट एटम है क्या, कोई ऑक्सीजन, कोई यूनिवेलेंट एटम नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो चार प्लस जीरो डिवाइड बाय दो, कितना आया, दो, एन की वैल्यू दो आई, और एन की वैल्यू दो आई, इसका मतलब दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने, और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल तभी बन सकते हैं जब दो मिक्स हो, तो एस तो है ही है, तो एक तो एस हो गया, और पी के कितने लेते, तीनों लेने की एक लेना है, एक हो गए दो, एक है सॉरी एक है, बोलो कोई दिक्कत है, जैसे BH3 का करना है तो बोरोन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, तीन, यूनिवेलेंट एटम कितने सराउंडिंग में, तीन, डिवाइड बाय टू, कितना आया, तीन, और अगर तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल, एन की वैल्यू तीन आने का मतलब तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल तभी हो सकते हैं जब बेटा क्या हो कि तीन ऑर्बिटल मिक्स हो, और तीन ऑर्बिटल मिक्स होने का मतलब एक एस का लेना, दो पी का, पी के सारे नहीं लेने, सिर्फ दो लेने, क्या बन गया, sp2, क्या बन गया, अगर अमोनिया की बात करें तो अमोनिया के आउटर मोस्ट में नाइट्रोजन सेंट्रल है, पांच, सराउंडिंग एटम गिनने, इलेक्ट्रॉन नहीं, तीन, तो पांच प्लस तीन डिवाइडेड बाय दो, कितना आया, चार, चार का मतलब एक एस का और तीन है पी का, CH3+, तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने बेटा, चार, यूनिवेलेंट एटम कितने, तीन, माइनस चार्ज विद साइन, तो चार्ज क्या, प्लस वन रखोगे डिवाइडेड बाय टू, तो प्लस वन माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस, कितना आएगा बेटा, छह डिवाइडेड बाय दो, कितना आया, तीन, तीन का मतलब है इसकी, चमका क्या, जैसे मैं इसकी बात करूं बेटा तो सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने हैं, छह, सल्फर सेंट्रल एटम, सल्फर है क्या, ऑक्सीजन यूनिवेलेंट एटम होता है क्या, नहीं, कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, यूनिवेलेंट एटम तो जीरो है, माइनस चार्ज विद साइन, तो आपको माइनस टू रखना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस,
क्योंकि बेटा चार्ज को माइनस करना होता है, जो भी आपका चार्ज है, माइनस है तो भी माइनस करना है, प्लस है तो भी। अगर माइनस टू रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। और छह और दो कितने हुए, आठ, आठ डिवाइडेड बाय दो कितना है, चार, और चार का मतलब sp3, sp6। सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने, छह। अब सराउंडिंग में कितने यूनिवेलेंट है, छह। ध्यान रहे फ्लोरीन के आउटर मोस्ट मत गिन लेना, कि सराउंडिंग के यूनिवेलेंट के आउटर मोस्ट गिन दो, नहीं, सराउंडिंग में सिर्फ एटम गिनो कितने, छह। तो छह प्लस छह डिवाइड बाय दो कितना आया, छह, छह मतलब अब ध्यान से छह चाहिए, एक है इसका, तीन पी का, चार हो गए, अभी भी दो कम बढ़ रहे हैं, तो एस पी के बाद में कौन आता है, डी। तो डी के सारे नहीं लेने, सिर्फ दो लेने, कितने लेने, नेक्स्ट बात करें जिनोन, जिनोन नोबल गैस है, और नोबल गैस का आउटर मोस्ट क्या होता है, NH2NP6, इसके आउटर मोस्ट में कितने, आठ, और यूनिवेलेंट एटम कितने, चार डिवाइड बाय दो कितना आया, छह, छह मतलब sp3d2, sp3। नेक्स्ट बात करते हैं SO3, सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने, छह, यूनिवेलेंट है जीरो डिवाइड बाय दो कितना आया, तीन, तीन का मतलब sp2। CCl4 कार्बन के आउटर मोस्ट में चार, यूनिवेलेंट चार डिवाइड बाय दो कितना आया, चार, चार मतलब sp3। कार्बन के आउटर मोस्ट में चार, यूनिवेलेंट है जीरो डिवाइडेड बाय दो कितना आया, दो, दो का मतलब sp, क्या है बेटा। नेक्स्ट वन जिनोन के आउटर मोस्ट में कितने, आठ, यूनिवेलेंट कितने, छह डिवाइड बाय दो कितना आया, सात, सात का मतलब sp3d3, क्योंकि डी, अब हमें सात चाहिए, एक है तीन पी में तो चार हुए, तो अब डी के कितने चाहिए, तीन, तो नाम हो गया sp3। चलो जी नेक्स्ट वन जीनोन के आउटर मोस्ट में कितने, आठ, यूनिवेलेंट एटम कितने, पांच, चार्ज माइनस वन डिवाइड बाय दो कितना आएगा, सात, बोलो को दिक्कत है, क्योंकि चौदह डिवाइड बाय सात, और सात मतलब sp3। यहाँ सेंट्रल एटम कौन है, आयोडीन। अब देखो गलती क्या होती है बच्चे से, कि वो इस, मैंने कहा सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन कितना, तो आयोडीन को गिन लेता, कहता है आयोडीन के आउटर मोस्ट में सात होते हैं, हैलोजन के आउटर मोस्ट में सात होते हैं, NH2NP5। अब कहता है यूनिवेलेंट एटम कितना, तो घड़ा के काम क्या करता, सात, क्योंकि हाँ सर ने कहा था फिल कर बाहर आई है, तो सात तो ये रहा, एक ये रहा, आठ। फ्लोरीन को भी यूनिवेलेंट गिनता है, आयोडीन की, अरे आयोडीन तो सेंट्रल है ना, सराउंडिंग में कितने यूनिवेलेंट है, जो गलती होती है मैं तुम्हें बता देता हूँ। बच्चा क्या करता है कि एक तो सात तो ये रहे, और एक आयोडीन को आठ यूनिवेलेंट मान लेता है, क्योंकि आयोडीन भी तो यूनिवेलेंट में आता है, फिर कल बाहर आई। लेकिन ये तब देखना है जब सराउंडिंग में यूनिवेलेंट देखने होते हैं, सेंट्रल को यूनिवेलेंट में काउंट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर यूनिवेलेंट होता तो सेंट्रल एटम ही नहीं हो सकता था, क्योंकि सेंट्रल एटम तो वही होता जो मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। हमारी बात में तो आयोडीन कितने हुए, सात, आयोडीन के आउटर मोस्ट में। अब यूनिवेलेंट में सिर्फ सराउंडिंग को देखोगे, आयोडीन को तो आपने सेंट्रल मान दिया, क्या मान दिया, तो सिर्फ सात फ्लोरीन देखोगे डिवाइड बाय दो कितना आया, सात, सात मतलब sp3। चमका इसका में नाइट्रोजन आयोडीन के आउटर मोस्ट में सात, छह यूनिवेलेंट, क्योंकि यही यूनिवेलेंट होंगे, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, सात, सात मतलब sp3। चमका अब बात करते हैं IF3। IF3 में आयोडीन के आउटर मोस्ट में सात, यूनिवेलेंट तीन डिवाइड बाय दो, पांच, sp3d। एक डी में काम हो जाएगा, एक sp, चार, चार एक, पांच। ClF3 क्लोरीन के आउटर मोस्ट में सात, प्लस तीन डिवाइड बाय दो कितना आया, पांच, पांच मतलब sp3d। यहां पे HCl4 जिनोन के आउटर मोस्ट में आठ, ऑक्सीजन यूनिवेलेंट है नहीं, आयोडीन है, सॉरी फ्लोरीन है, दो कितना आया, छह, छह मतलब sp3। PCl3 फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में पांच, तीन क्लोरीन डिवाइड बाय दो कितना है, चार, चार मतलब sp3। PCl5 फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में पांच, प्लस पांच डिवाइड बाय दो sp3। SF4 सल्फर के आउटर मोस्ट में छह, ऑक्सीजन से कोई लेना देना, सिर्फ हेलोजन यूनिवेलेंट देखने, वो चार हेलोजन डिवाइड बाय दो कितना है, पांच sp3d। जिनोन के आउटर मोस्ट में कितने, आठ, दो फ्लोरीन डिवाइड बाय दो कितना है, पांच, पांच मतलब sp3। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में छह, यूनिवेलेंट है दो, क्योंकि ऑक्सीजन तो सेंट्रल है ना, अब की बार डिवाइड बाय दो कितना, चार, चार मतलब sp3। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर इसमें ऑक्सीजन को सेंट्रल तो मानते नहीं, और ऑक्सीजन को यूनिवेलेंट मानते हैं कि सर सराउंडिंग है, नहीं, ऑक्सीजन सेंट्रल, ऑक्सीजन कौन है,
और हाइड्रोजन यूनिवेलेंट है। अब देखो आई थ्री माइनस में दिक्कत होती है कई बार बच्चों से, देखो आई थ्री माइनस है तो मुझे पता तीन आयोडीन है तो कम से कम एक आयोडीन सेंट्रल रहा होगा, तो इसको ऐसे लिख लो आई आई टू माइनस, मतलब एक सेंट्रल बाकी दो सराउंडिंग। अब जैसा का वैसा, तो सेंट्रल के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है सात। अब देखो इसको तो सेंट्रल माना तो इसको तो सराउंडिंग में कितने की जरूरत ही नहीं है, अब सराउंडिंग में कौन है बाकी बचे दो आयोडीन और वो दोनों क्या होंगे यूनिवेलेंट, क्योंकि हेलोजन जब भी सराउंडिंग में होते हैं एक ही बॉन्ड बनाते हैं, कितने बनाते हैं तो सात प्लस दो माइनस वन डिवाइड बाई दो कितना आया बेटा पांच, और पांच मतलब एसपी थ्री सेम आई थ्री प्लस है उसको क्या लिख सकता हूं आई आई टू प्लस, क्या लिख सकता हूं आगे भाषण में, और आई आई टू प्लस में ये तो क्या हो जाएगा सेंट्रल, ये दो क्या हो जाएगा सराउंडिंग, और चार प्लस में तो माइनस हो जाएगा और कितना आएगा चार चार मतलब एसपी थ्री। देखो प्लस माइनस चार से कितना फर्क है चमका क्या सबको समझ में आया बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालना। चलो जी यूनिवेलेंट एटम के लिए फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और हाइड्रोजन बस यही यूनिवेलेंट है, इनके अलावा कोई यूनिवेलेंट नहीं है, ये पांच यूनिवेलेंट और वो भी सराउंडिंग में होने चाहिए, जैसे आई आई थ्री माइनस था तो उसमें सिर्फ सॉरी आई थ्री माइनस है इसको मैं आई आई टू माइनस लिख सकता हूं, तो इसको सेंट्रल मानूंगा तो बाकी ये दोनों काउंट होंगे इसमें सराउंडिंग में, कि सराउंडिंग में कोई एक बॉन्ड बनाता हूं तो अगर एक आयोडीन को तो हमने सेंट्रल ले लिया तो उसको तो गिनने का कोई मतलब ही, जैसे मैंने आई एफ सेवन लिया तो मैं आयोडीन को तो सेंट्रल मान चुका हूं, अब इसके अलावा बाकी बच्चे सराउंडिंग में गिनो, बाकी बने सराउंडिंग में गिनो। इसी तरह जीनोन ओ एफ फोर है तो जीनोन तो सेंट्रल है, अब सराउंडिंग में ऑक्सीजन और फ्लोरीन है तो ऑक्सीजन तो होगा नहीं बचा कौन चार फ्लोरीन, आगे बात समझ कौन कौन है हाँ जो सिंगल बोन बनाते हैं जब सराउंडिंग में होते, कहां सेंट्रल में नहीं जब वो सराउंडिंग में हो। अभी वही समझाऊं दो मिनट में, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है सराउंडिंग का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबका हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो ऑर्गेनिक है क्या बेटा ऑर्गेनिक, उनके अलग से सिखाऊंगा। अब बात करते हैं शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, मैंने हाइब्रिडाइजेशन तो निकालना सबकी सीख ली लेकिन ये एसपी कैसा दिखता है एसपी थ्री कैसा दिखता है तो बात ही नहीं हुई, वे अलग अलग दिखेंगे लेकिन कोई सा भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है हमने इंसानी लोगों ने क्या किया बेटा इस कल्पना कर लिया, क्या कर लिया बेटा एक कल्पना, हमने ऐसा सोच लिया कि ऐसा दिखता होगा क्लियर है, तो हमने क्या किया बेटा शेप, अब हमें शेप निकालनी कैसा दिखता है तो अब देखो ये तो पी ऑर्बिटल होता है जिसकी दोनों लूप बराबर होती है वो पी होता है, क्या होता है और पी में दोनों एकदम एक सी होती है, हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा ही बनाया लेकिन एक साइड से तो बनाया एकदम मोटा एकदम और एक साइड से छोटा सा, ये क्या हो गया बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्या हो गया आगे बात में, ये रिप्रेजेंट करना का तरीका हुआ, क्या करने का तरीका है देखा थोड़ी हमने कोई देखा नहीं, हमने रिप्रेजेंट किया कि ऐसा दिखता है। अब देखो जब भी बॉन्ड बनता है ना तो हमेशा दो चीज साथ में होती है बेटा, इसमें क्या दो चीज साथ में होती है कि एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, जहां शैतान है वहीं भगवान है, राम जी इसलिए पैदा हुए क्योंकि पहले रावण था, पहले शैतान हुआ तभी तो राम आए कि नहीं आए, भगवान तभी पैदा होता जब पाप बढ़ जाता है, तो इसका मतलब सिर्फ बॉन्ड नहीं बनता कहीं पर, एंटी बॉन्ड हमेशा साथ बनता है क्लियर है, हमेशा ध्यान रखना कि ताकत के साथ बुराई जरूर जन्म लेती है, ताकत के साथ हमेशा क्या जन्म लेती है बेटा बुराई, ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छाई पैदा होगी बुराई पैदा नहीं होगी, वरना तय कैसे करोगे अच्छाई कौन सी है, वो एक जन आपको पकड़ के धोएगा और दूसरा बचाएगा तभी तो कहोगे आप अच्छे हो, वरना आप कैसे कहोगे कि आप अच्छे हो भाई, अच्छाई का पता कब लगेगा, जब एक जना तो आपको बुरी तरह पकड़ के मारे और एक जना आपको आगे पंपो ले तो आप कहोगे ये अच्छा है ये बुरा, भाई पैरामीटर तो तभी तय हो सकता है अच्छाई बुराई का, आरी बात में, तो हमेशा अच्छाई के साथ क्या होता है बुराई होती है, उसी तरह से हमेशा एक बॉन्ड के साथ एंटी बॉन्ड जरूर बनता है, हर चीज की कमजोरी साथ में पैदा होती है बेटा, जिस दिन तुम पैदा होते हो उस दिन तुम्हारी मौत भी लिखी जाती है ऐसा कहते हैं, क्लियर है, हम ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत फिलोसफी आती है, मैंने पढ़ रखा है क्लियर है, तो सिंपल सिखाने जब एक बॉन्ड बनता है तो उसके साथ में उसका एंटी बॉन्ड जरूर बनता है, अब अभी तो बॉन्ड बनाने की बात कर रहे हैं तो हमें ज्यादा कोई मतलब नहीं एंटी बॉन्ड से, लेकिन जब रिएक्शन में जब हम इसको ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं जब बॉन्ड टूटता है तो आप कई बार सुनते हो ना कि बैक साइड अटैक हो रहा है रिएक्शन में अटैक हुआ,
तो वो अटैक हमेशा एंटी बॉन्ड पे होता है। किस पे होता है? अगर किसी कंपाउंड का एंटी बॉन्ड मजबूत हुआ तो वो बॉन्ड को तोड़ देगा। अगर किसी मॉलिक्यूल को तोड़ना होता है तो उसके एंटी बॉन्ड को मजबूत करते हैं। कौन से बॉन्ड को मजबूत करते हैं? अब मान लो किसी बॉन्ड का एंटी बॉन्ड बना ही नहीं होता, इसका मतलब वो तो फिर कभी टूटेगा ही नहीं। पर भगवान कभी ऐसा नहीं करता। मौत साथ लिखी जाती है, मौत है। तो अभी तो हम बॉन्ड बनाना सीख रहे हैं तो एंटी बॉन्ड का हमारा ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन जब एक बॉन्ड बनता है तो उसमें दो पार्ट बनते हैं। एक पार्ट कहलाता है बॉन्डिंग पार्ट, उसको तो हमने बड़े पार्ट से दिखाया, क्लियर है। और दूसरे पार्ट को हमने क्या दिखाया? एंटी बॉन्ड। किससे दिखाया बेटा? उसको हमने छोटे पार्ट से दिखाया। आई बात में? बोलो कोई दिक्कत है? तो बॉन्ड बनाने को किससे दिखाया है? बड़े पार्ट से, और एंटी बॉन्ड को छोटे पार्ट से। तो बॉन्ड बना रहे हैं तो अभी तो ये इंपॉर्टेंट है, जब तोड़ रहे होंगे तो ये वाइस सब इंपॉर्टेंट होंगे। जब ये मजबूत होगा तो इसको तोड़ देगा, बॉन्ड खत्म। जैसे कार्बन हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया, तो जैसे ये कार्बन है, ये इसका बॉन्ड है, ये इसका एंटी बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन जो आके मिलता है वो इस बॉन्ड में मिलता है। किसमें मिलता है? एंटी बॉन्ड पड़ा देता है। लेकिन जब कोई अटैक करता है तो वो इसके एंटी बॉन्ड में अटैक करता है। कहां अटैक करता है? और एंटी बॉन्ड मजबूत होता है तो यहां से बॉन्ड टूट जाता है, यहां से बॉन्ड है। ये तो बाद की बातें अपन इतने जोर में पढ़ेंगे। हमें कहा ठीक है, एक बॉन्ड बनता है तो उस लूप में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके लूप में बड़ा पार्ट तो बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है, छोटा पार्ट है एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। आगे बात समझ? तब की शेप ऐसे साइज में छोटी बड़ी हो जाएगी, एक में ये और बड़ा हो जाएगा, एक में ये छोटा हो जाएगा, रहेगी सब में शेप ऐसी। मतलब जैसे मैंने कहा एक में ऐसी है, एक में ऐसी है, बस यही फर्क है साइज में, बड़ा छोटा सबको दिखाया एक तरीके से। आई बस में? हाँ, सब जैसे एस पी, एस पी वाला है तो मैंने कह दिया ये एस पी टू वाला है। नहीं पी पी कुछ नहीं, सबके लिए ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, सबके लिए ये रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है? कोई बहुत थोड़ी है, पी तो वैसा दिखता है। अरे तो पी दिखाते हैं ऐसा, पी के दोनों लोग बराबर होते हैं, कोई बराबर थोड़ी है, रिप्रेजेंटेशन है। एस तो होता ही बेचारा वैसा है, वो तो शेप है ऑर्बिटल की, वो तो रियल है, ये तो रिप्रेजेंटेशन है। वो पैरेलल ओवरलैपिंग है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं है ना। ये तो क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ। आ रही बात समझ? अब देखो बड़ा ध्यान से कि हाइब्रिड ऑर्बिटल आर प्रेजेंट इन द स्पेस, स्पेस में प्रेजेंट होते हैं बेटा, इन दैट मैनर इन विच रिपल्सन इज मिनिमम। रिपल्सन क्या हो बेटा? कि दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो दोनों एक दूसरे से जितना पॉसिबल हो सकता है उतनी मैक्सिमम दूरी पकड़ेंगे, ताकि रिपल्सन क्या हो बेटा? मिनिमम, हमेशा एक दूसरे के दूरी पर जितनी पॉसिबल है, जितनी पॉसिबल है। अब पॉसिबल ही नहीं हुआ तो बात अलग है। हमारी बात में तो सबसे पहले बात करते हैं एस पी हाइब्रिडाइजेशन, किसकी बात करते हैं? हाँ जी, हाँ और कुछ? थैंक यू। अब बात करते हैं बेटा एसपी, किसकी बात करते हैं बेटा? एसपी। तो देखो एसपी में अगर अपन बात करें, अच्छा बदमाशी नहीं, तो देखो ध्यान से एसपी कैसे बनता है, हमें पता है एक एस होगा और एक ए। तो देखो एस का तो बेचारे का कोई वो है नहीं, केसरी मूव कर लो स्पेरिकल है, क्या है बेटा? लेकिन पी तो तीन तरह के होते हैं, पी एक्स, पी वाई और ए, और सबकी अपनी अपनी डायरेक्शन होती है, सबकी अपनी अपनी क्या होती है। अगर बेटा एस वाले को पी एक्स ऑर्बिटल मिक्स होना है तो कौन सी एक्सिस में जाके मिक्स होना पड़ेगा? एक्स एक्सिस में। एस वाले को अगर पी वाई से मिक्स होना है तो किसमें जाना पड़ेगा? वाई। भाई अगर इधर पी वाई है तो एस को इधर जाना पड़ेगा, इधर पी एक्स है तो इधर से आना पड़ेगा, और इधर पी जेड है तो इधर से आना पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ? एस तो कहता है अपना तो कोई है नहीं ठोर ठिकाना, जिधर से कराओ सब सेम है, लेकिन पी ऑर्बिटल मैंने कहा एक ही पी है, क्या बेटा? एक ही। तो अगर बेटा तीन पेन देना, छोटे वाले देना, ये वाले नहीं और वो नहीं आते दो दो रुपए वाले, ये रहा एक। तो देखो बेटा पी ऑर्बिटल ऐसे ही तो होता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अगर एस को इससे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करनी है तो इधर से आ, इससे हाइब्रिडाइजेशन करना है तो इधर से आ, और इससे दोस्ती करनी है तो इधर से आ, क्योंकि मुझे पता है एस पी में एक एस होगा और एक पी होगा, और मिक्सिंग करनी है तो एस, अगर आपको एक्स एक्सिस पे करना है तो एक्स एक्सिस के लोंगाओ, वाई एक्सिस से करना है तो वाई एक्सिस से, और जेड एक्सिस से करना है तो आप फ्री हो, जिससे आओ मर्जी, हमें कोई मतलब है। अब मिक्सिंग कैसे होती है? देखो ये एक एस है और ये एक पी है, ये दोनों मिक्स हो गए, क्या हो गए? अब मिक्स होने के बाद हमें पता है हमें बनाने कैसे, सबको सेम ही तरीके से बनाना है,
सबको क्या बनाना है बेटा? सेम, एक सेकंड रुकना। क्या हो गया भाई? क्या ये एक ऑर्बिटल बना? अब मुझे पता है एक एस और एक पी मिक्स में तो दो बनेंगे, कितने बनेंगे? ये तो एक बना है, ये तो कितना बना है? एक, एक और बनेगा। अब वो जो दूसरा बनेगा वो कहाँ बनेगा बेटा? मैंने कहा मैक्सिमम दूरी पे होना चाहिए, तो दो ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी क्या पकड़ सकते हैं कि सर 180 पकड़ ले। कितना पकड़ ले? 180। एक इधर बनाया तो एक इधर बन जाए, तो इस तरह से बनता दूसरे वाला। एक दूसरे से 180 पे दो बनेंगे, कितने बनेंगे? दो। आगे बात समझ में? एक एस का और एक है पी का। अब कि वो अब सिंपल सा दिख रहा है कि एक लाइन में बनेंगे, किसमें बनेंगे? एक ये तो लीनियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो दो बने, एक एस पी दूसरा एस पी। अब देखो मिक्स होने के बाद जरूरी नहीं एक से दिखे, हमने कहा मिक्स हुए, मिक्स होने के बाद जैसा बने सेप ऐसे रहने। तो एक तो इधर बना और एक इधर बना, तो बताओ दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे से 180 डिग्री पर है, तो बताओ एस पी कैसा दिख रहा है, लीनियर की नॉन लीनियर? लीनियर का मतलब होता है एक लाइन, क्या होता है? तो कैसा दिखा? लीनियर। तो अपन क्या बोलेंगे बेटा कि जो ये एंगल बना इसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी है बेटा? लीनियर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कैसी है? लीनियर। और बॉन्ड एंगल क्या होता है? दो बॉन्ड के बीच का एंगल, तो बताओ बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री। कितना होता है बॉन्ड एंगल? 180 डिग्री। ज्योमेट्री कैसी है? लीनियर। अब कौन सी एक्सिस पे बने? तो अगर एस और पी एक्स मिले तो एक्स एक्सिस पे, एस और पी वाई मिला तो वाई एक्सिस पे, एस और पी जेड मिला तो जेड एक्सिस पे। जो ऑर्बिटल मिक्स होंगे उसी में डायरेक्शन आएगी। बोलो कोई दिक्कत है? पक्का? अब क्या दो कैसे हो गए सर? माता दो ऑर्बिटल मिक्स में तो बनेंगे कितने? दो। तो एक तो ये रेड वाला बना, एक ग्रीन वाला, दो बनेंगे ना। तो ने अभी कहा एक एस और एक पी है मिक्स में, तो दो बनाएगी ना, ये कह रहा और ये कह रहा, और दोनों एक दूसरे के 180 पे, दोनों एक दूसरे के और 180 पर है, तो कितना बॉन्ड एंगल आएगा? 180। कितना आएगा? नेक्स्ट बात करते हैं sp2 की। किसकी बात करते हैं? अब sp2 कैसे मिलेगा? एक s होगा, एक तो क्या होगा? अब p के दो होंगे, तो p के दो कोई भी हो सकते हैं, xy हो सकता है, xz हो सकता है, और y। आ रही बात समझ में? अब x और y होगा, तो s तो कहता है मेरे तो कोई ठो ठिकाना है नहीं। अगर x और y डायरेक्शन होगी, कौन सी होगी? जैसे अपने पास ये है, अगर मान लो इन दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होना है, तो s यहाँ आएगा, तो बॉन्ड कहाँ बनेगा? इस एक्सिस के बीच में बनेगा, x और y के बीच में। इसको अपन y मान लेते हैं, z है। अगर इसमें आया तो x और z में, और s यहाँ आया तो y और z में। बोलो कोई दिक्कत है? तो सिंपल सी कहानी है, अगर एक तो s है और एक px और py है, तो अगर आपस में मिक्स होंगे तो किस मॉलिक्यूल किस में जाएगा? एक्स वाई प्लेन में। बॉन्ड किस में बनेंगे? एक्स वाई में। अगर एक एक्स और जेड हुआ तो बॉन्ड किस में बनेंगे? एक्स जेड प्लेन में। और अगर एक वाई और जेड हुआ तो वाई जेड प्लेन में, क्योंकि एस का तो कोई ठोर ठिकाना है नहीं। तो हमसे क्वेश्चन आता है कि एक एस पी एक्स पी वाई मिक्स हुए तो बॉन्ड किस में बने? तो पी वाई और पी जेड मिक्स हुए तो वाई जेड में, एक्स वाई में हुए तो एक्स वाई में, और एक्स जेड हुआ तो एक्स जेड में। होंगे कोई दो पी, होंगे कोई दो पता नहीं कौन से। अब तीन जने मिक्स होना चाहते हैं, कितने मिक्स होना चाहते हैं? तो तीन नए बनेंगे, एक एस का और दो पी का मिक्स होना चाहते हैं, तो नए कितने बनेंगे? तीन। अब तीन जने एक दूसरे से मैक्सिमम एंगल पकड़ना चाहते हैं, तो एक प्लेन में मैक्सिमम एंगल पकड़ने का तरीका क्या है कि एक दोनों एक तीनों एक दूसरे से 120 पे खड़े हो जाए। क्या एक प्लेन में इससे ज्यादा दूरी पकड़ना पॉसिबल है क्या? कोई कह सर एक ऐसा आ जाए, ऐसे आते गड़बड़ हो जाएगी, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। एक प्लेन में मैक्सिमम दूरी पकड़ के खड़े हो जाओ, ये कितनी है बेटा? 120, 120 और कितना है बेटा? 120 डिग्री। कितना? 120 डिग्री। मतलब एक जना यहां आ जाए, मैं उसका एंटी बॉन्ड नहीं बना रहा हूं, दूसरा यहां आ जाए और तीसरा कहां जाए बेटा? यही पॉसिबिलिटी है। और मैंने बॉन्ड को ऐसे लाइन से दिखा दिया, कैसे दिखा दिया? इसे एक डब्बे को एक लाइन से दिखा दिया। अब आपको पता है ये बॉन्ड बने तो इनके एंटी बॉन्ड भी बनेंगे, इनके क्या बनेंगे? अपन एंटी बॉन्ड दिखा नहीं रहे, ऐसा बनेगा। आगे समझ में ये चीज? और तीनों एक दूसरे से कितने पर है? 120 पे। अब इन तीनों को शेप कैसी? अगर इन तीनों को मैं जोड़ दूं इससे तो एक ट्राइंगल बनेगा, और ट्राइंगल तो बनेगा लेकिन तीनों एक प्लेन में, लाइन में नहीं है। देखो क्या तीनों एक लाइन में है क्या? लाइन खींचो, एक तीनों एक लाइन में आएंगे क्या? नहीं, लेकिन तीनों एक ही प्लेन में आएंगे। देख लो, अगर मैं तीनों को बोर्ड पर रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ,
एक ऐसा नहीं कि तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे, जहां पर भी देखो देखो इसको ऊपर से हाथ फेर सकता हूँ तीनों पे एक साथ, तो तीनों एक प्लेन में एक ही, तो तीनों एक तो ट्राइंगल जैसे शेप बनाएंगे एक प्लेन में, इसलिए इसका नाम हो गया ट्राइंगुलर प्लेनर। आगे बात समझ में, ट्राइंगुलर प्लेनर, बोलो कोई दिक्कत है पक्का? अरे बोलो, चले आगे। इसको कहीं कहीं जगह ट्राइगोनल प्लेनर भी लिखा रहता है, एक ही बात है चमका। नेक्स्ट बात करते हैं sp3 की, किसकी बात करें? अब sp3 में क्या होता है, एक s होता है और तीन p होता है, तो तीन p कौन से लेने के, तीनों तीनों लेने, x y और z, तीनों के तीनों लेने। अब सिंपल सिखाने, तीन अब मिक्स कितने हो रहे हैं बेटा, चार मिक्स हो रहे हैं, तो नए भी कितने बनेंगे, चार, कितने बनेंगे, चार। अब नए चार बनेंगे, अब देखो चार बनने का एक तरीका तो है कि चारों एक प्लेन में आ जाएगा, इसमें आ जाएंगे, लेकिन बेटा एक चारों एक प्लेन में नहीं आ सकते, रिपल्सन एक तो बॉन्ड एंगल कितना आएगा 90। दूसरा बात है, आप तीनों एक्सिस को एक प्लेन में ले नहीं सकते, अगर मैं इसको चारों एक प्लेन में लूं तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कहां है, जबकि मैं कहता हूं पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों मिक्स हुई है, तो ये तो एक्स एक्सिस बोल दो, ये वाई एक्सिस, तो जेड एक्सिस का पार्ट कहां है ही नहीं कहीं भाई, ये तो एक्स पूरी वाई एक्सिस होगी ना, पॉजिटिव क्वार्टर नेगेटिव, पॉजिटिव क्वार्टर नेगेटिव, दो एक्सिस आ पाएंगे प्लेनर में, तो ये जाता आउट ऑफ प्लेन, कैसे जाता है, इससे तीनों एक्सिस आ सकते हैं, तीनों एक्सिस है और ऐसा दिखता है, हमारे पास में इस तरह से, ये आउट ऑफ प्लेन, एक प्लेन में नहीं जाके प्लेन से बाहर चला गया, प्लेन से। अब देखो प्लेन में कितने एटम है, तीन एटम, देखो ये तीन प्लेन में ये आउट है, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ लूं तो ये तीन प्लेन में, और ये अब देखो इसको ये नहीं कि आप कैसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, हर बार क्या आएगा सेम, ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो सेम ये, तो किसी को कहीं ऊपर रख दो कोई फर्क है। और इस स्ट्रक्चर का नाम होता है टेट्राहेड्रल, क्या नाम होता है, आगे बात में। और इन सब में बॉन्ड एंगल सेम होता है, अगर मैं यहां से यहां देखूं तो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, यहां पर भी 109 डिग्री और है 28 मिनट, 109 डिग्री एंड 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, किसी में भी देख लो सब में सेम बॉन्ड एंगल है, कर दोगे तब भी बॉन्ड एंगल तो वही रहने वाला है। तो सिंपल सी कहानी, स्ट्रक्चर का नाम क्या है, टेट्राहेड्रल। आगे बात में, इसको शॉर्ट में टीडी से लिखते हैं, किसे लिखते हैं, टीडी से। और बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री एंड 28 मिनट। अब जिसको बोर्ड पे बनाए, देखो बोर्ड पे तीन तो बन जाएंगे, लेकिन ये चौथा तो बोर्ड के प्लेन के बाहर जाएगा, तो अपन इसको यूं चिपका देते हैं, यूं चिपका देते हैं, तो बोर्ड पे ऐसा लगता है कि सर ये तीन तो सेम है और ये एक अलग है, जबकि रियलिटी में ऐसा, ये बोर्ड पे ऐसे थोड़ी है, रियलिटी में तो चारों सेम है, रियलिटी में तो चारों क्या है, किसी को कहीं रखो हमें कोई दिक्कत है, देख लो एक ही बात है। बोर्ड पे बनाते समय अगर तीन को मैं प्लेन में रख लेता हूं तो चौथे को इधर लाना पड़ेगा, चमका क्या पक्का, ऐसा होता है टेट्राहेड्रल, ऐसा क्या होता है टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा sp3d की, किसकी बात करते हैं, sp3d में अब देखो ध्यान रखना, एक तो s है और p के तीनों लेने x y z, और बेटा ध्यान रहे d का सिर्फ dz स्क्वायर होता है, d का कौन सा होता है, ये क्वेश्चन पूछते हैं ना। अब देखो दूर से देखने में तो ऐसा लगता है sp3d सब आपस में मिक्स में, लेकिन यहां घर की लड़ाई चल रही है, यहां घर पे क्या चल रही है, लड़ाई, यहाँ पे अंदर ही दो तरह की मिक्सिंग हुई है, अंदर कितने तरह की मिक्सिंग होती है, दो, कि सर कौन सी दो, देखो एस पी एक्स पी वाई तो अपनी दुकान चलाते हैं, एस पी एक्स पी वाई तो क्या चलाते हैं, अपनी दुकान, और पी जेड डी जेड ये कहते हैं हम तो दोनों जेड जेड, हम तो दोनों, और दोनों जेड जेड तो अलग बोन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, भाई जिस एक्सेस में पी जेड होगा उसी एक्सेस में क्या होगा, पी जेड स्क्वायर होगा, और ये दोनों अपनी अलग ही दुकान चला रहे हैं, इसी में ये, तो यहाँ पे अगर बाहर से देखने पे तो दूर से देखने पे ऐसा लगता है सब में बहुत दोस्ती है, लेकिन पास जाके देखा तो दो टुकड़े हो रखे हैं, कितने टुकड़े हो रखे हैं, इन तीनों ने अपनी बनाई है, इन दोनों ने अपनी, अगर ये तीनों मिलाएं तो एक तरह का sp2 है, और ये दोनों अगर आपस में मिलाएं तो क्या बनेगा, pz pz स्क्वायर, बोलो है कि नहीं है। अब अगर मैं इन तीनों को कहूंगा तुम तीनों की बॉन्ड कैसे होगा, तो ये तीनों तो कहेंगे हम तो sp2 जैसे हैं, तो sp2 कैसा होता है, ऐसा बनेगा, आगे समझ में। और इन दोनों को कहा तुम दोनों, तो हमने कहा PZ DZ स्क्वायर, हम तो दो और मिक्स हुए, और दो मिक्स हुए तो दो कैसे होंगे, लीनियर, और ये दो ऐसे होते हैं, दो बन गए ना ऊपर नीचे, एक ऊपर और एक, आगे बात समझ में। और स्ट्रक्चर कैसी बन गई बेटा, कुछ भी सेम नहीं होती, आगे बात समझ में, ये इस तरह से बने होते हैं, बोलो कोई दिक्कत है, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ू इस तरह से, थोड़ा सा शेप अलग दिख रही है, इस तरह से होते हैं, आई बात में, एक ऊपर और एक है, जैसे मैं यूं बनाऊं ये तीन प्लेन में, तो एक ऊपर ऐसे और एक ऐसे नीचे,
अगर मैं ध्यान से देखूं बेटा तो यहां तो दो तरह से बटे हुए पड़े कि दो तरह से क्या बटे हुए हैं, ये जो तीन जने जो sp2 से बने, ये तीन जने किससे बने हैं sp2 से, वो ये तीन हुए, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। देखो ये तीनों sp2 जैसे दिख रहे हैं, ये देखो पकड़ के बैठ जाओ, तीनों ऐसे है ना sp2। इन तीनों को बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? और ये इक्विटोरियल बॉन्ड किससे बना है? एक s से और दो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2, मतलब इनमें s और px py, ऐसे ऐसा नहीं कि वो बाकी जीरो है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इनका परसेंटेज नहीं, लेकिन अपन कहते हैं नेग्लिजिबल सा परसेंटेज है, नेग्लिजिबल सा। तो इनमें मोस्ट ऑफ चीज क्या है? sp2 मतलब s, px और py के कैरेक्टर इनमें। तो ये सेफ केस हुई ट्राइगोनल। कैसे हुई बेटा? अब दो जने जो ऊपर नीचे, दो जने कहां पर है बेटा? एक ऊपर और एक है, तो ये तो एक लाइन लीनियर जैसी शेप हुई। ये दोनों जो एक दूसरे के ऊपर नीचे एक्सिस पे होते हैं, इन्हें बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा? आगे भाषण में बोलो, कोई दिक्कत है? अब ये एक्सियल बॉन्ड किससे बने? पीजेड और डीजेड स्क्वायर से। तो इनमें मोस्ट ऑफ कैरेक्टर किसका है? पीजेड और डीजेड का, मतलब इनमें एस कैरेक्टर बहुत कम है, क्योंकि एस तो सिर्फ एस इक्वेटोरियल में। अब इसकी ऑल ओवर स्ट्रक्चर देखें तो ये तो होगी ट्राइगोनल। क्या होगी बेटा? अब देखो ट्राइगोनल के ऊपर मैंने ये लगा दिया, अब मैं देखो इसके चारों ओर से दीवार बनाऊं, क्या बनाऊं बेटा? एक तो कैसा बनेगा? पिरामिड जैसा नहीं बनेगा? देखो ऊपर से दीवार बना दो चारों ओर से, इधर से इधर से तिर से दीवार बना दो, कैसा बनेगा? पिरामिड बनेगा। तो एक पिरामिड तो ऊपर बनेगा और एक पिरामिड, तो नाम क्या हो गया? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब बोर्ड पे तो देखो ऐसा बनाना पड़ेगा ना, जैसे ये तीन तो प्लेन में बना दिए, अब एक कहां था बेटा? प्लेन के बाहर और एक प्लेन के। अब अपन उसको कैसे बना देते हैं? ऐसे लाइन खींच देते हैं, ऐसे क्या कर देते हैं? आई वासन में तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल। अब मैं अगर इनमें बॉन्ड एंगल देखूं तो जो दोनों एक्सियल बॉन्ड है, दोनों कौन से बॉन्ड है? तो दोनों एक्सियल बॉन्ड तो ऐसे एक ऊपर और एक है, तो इन एक्सियल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ कितनी होगी? रहे कितने डिग्री होगी? 100। एक ऐसे और एक ऐसे, इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितने का है? 180। तो दो एक्सियल के बीच में बॉन्ड एंगल कितने का है? 180 डिग्री का। अब इक्विटोरियल में बॉन्ड एंगल देखो तो कितने का है? 120। देखो बोर्ड पे देख के बच्चे को लगता है सर ये तो 120 होगा, लेकिन ये तो ज्यादा होगा। ऐसा नहीं है बेटा, सारे इक्वेटोरियल सेम है, ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, एक ही बात है। और सारे इक्वेटोरियल में बॉन्ड एंगल कितने का है? 120 का। कितने का है बोलो, कोई दिक्कत है? तुम कहा क्या? तो हमने क्या कहा कि सारे इक्वेटोरियल में बॉन्ड एंगल 120 का है। तो एक्सियल एक्सियल में बॉन्ड एंगल 180, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल में 120। कितने बॉन्ड एक्सियल एक्सियल है? 1 बॉन्ड। और इक्वेटोरियल में कितने बॉन्ड है? 3। इन दोनों के बीच में देखा ये 2 एक्सियल है। अच्छा 120 पे कितने बॉन्ड है? ये तो ऐसे 1 लिखा हुआ, ये है कि 180 डिग्री पे कितने बॉन्ड है? एक बॉन्ड, एक एक ही बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड, ठीक है। आगे पास में ये दो एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड तो 180, एक बॉन्ड मत लिखो, ऐसे लिखो एक। कितने 180 डिग्री का एंगल है? एक। बॉन्ड थोड़ी बोलेंगे, कितने 180 डिग्री एंगल है? एक। 120 एंगल कितने है? 3। 3 एंगल है ना 120 के, 180 का तो एक ही तो भाई, ये वाला 1 2 3, 120 के कितने? 3। अब मुझे बताओ एक्सियल इक्वेटोरियल में कितना होगा? 90 डिग्री। कितने होंगे? 1 2 3। देखो 3 तो है, 1 2 3, 3 तो ऊपर दिख गए और 3 देखो नीचे होंगे, 1 2 3, कितने हुए? 6। तो 6 90 डिग्री के बॉन्ड है, 6 कितने हैं? 90 डिग्री। आगे बात सुन में, तो 6 तो 90 डिग्री के हैं, 3 क्या है? 120 के। समझ में आया बेटा? ये नेक्स्ट वन आता है sp3d2। sp3 एक s, p के तो तीनों ही होने। अब d के याद रखने कौन कौन से हैं? dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर। अब ये होते कैसे हैं बेटा? ये एकदम इसमें कोई एक्सियल इक्विटोरियल कुछ नहीं, सब मिक्स होते हैं, इस तरह की मिक्सिंग होती है। तीन पेन को पकड़ो ऐसे बीच में से और ऐसे पकड़ लो, इस तरह से किसी को पकड़ लो, सेम ही दिखता है, किसी को ऊपर पकड़ लो, देखो कोई फर्क नहीं है। अब देखो इसका नाम, कितने बॉन्ड मिक्स हुए? एक भाई, कितने ऑर्बिटल मिक्स हुए? 1 2 3 4 5 6, 6 ऑर्बिटल मिक्स हुए। तो नए भी कितने बनेंगे? 6। और 6 मिक्स बनेंगे तो बॉन्ड भी कितने बनेंगे? 6। देखो 6 रहे, 1 2 3 4 5 और 6, तो कितने? 6। अब नाम इसका क्या है? ऑक्ट्राइडल। नाम क्या है? इस शेप का नाम ऑक्ट्राइडल, जो इक्वेटोरियल एकदम हर तरह से दिखती है।
अब बच्चे के मन में कंफ्यूजन क्या हो जाता है, ओक्टाहेड्रल, बच्चे को लगता है आठ बोन बनेंगे, क्या बनेंगे, ये पुष्पा राज वाला सा खेल है कि ओक्टा नाम सुन के आठ समझा गया, छह में कितना है, क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत है इसमें, कितने है बेटा, छह ही बोन है, आठ नहीं, कितने नहीं है, बच्चे के मन में आती है ओक्टाहेड्रल मतलब आठ बोन, नहीं छह ही बोन है, कितने बोन है, किस स्ट्रक्चर का नाम ओक्टाहेड्रल है जो हर तरह से क्या दिखती है, सेम, किसी को ऊपर पकड़ लो कोई फर्क है, ऐसा नहीं कोई अलग है, नहीं किसी को पकड़ लो, आगे बात में, अब अगर ये ओक्टाहेड्रल है तो बोर्ड पे कैसे बनाए, देखो बोर्ड पे तो नहीं बना सकता मैं, तो देखो बोर्ड पे पहले मैंने चार बना लिए, ये चार बना सकता हूँ, देखो ऐसा कैसा, देखो चार दिख गए, ये एक दो तीन और अब दो बच गए, कौन से ऊपर नीचे वाले, तो इसको एक को ऊपर दिखा दिया एक को, भैया चार तो देखो ये रहा ना स्क्वायर सा दिख गया, अब स्क्वायर से मैंने बना दिया ये रहा, अब पांचवा कहाँ होगा बाहर, एक छठा कहाँ होगा अंदर, तो मैंने इसको लाइन से खेल दिया, अब बच्चों को क्या लगता है कि ये चार सेम होंगे या अलग होंगे, ऐसा कुछ भी, तो रियलिटी में इसकी स्ट्रक्चर कैसी है बेटा, ऐसी एक यहाँ और ये जो लाइन खींच रहा हूँ ये बाहर, ये लाइन खींच रहा हूँ ये कहाँ है, ऐसा, लेकिन किसर आपने ये क्यों बना दिया साइड में ये लाइन से, ये इसलिए ताकि सुंदर दिखे, क्या दिखे, बाकी कोई लेना देना, तो ऐसे चार बना दिए, एक ये जो लाइन मैंने रेड वाली खींची ये बॉन्ड नहीं है बेटा, ऐसे बना दिया, बॉन्ड कौन है, ब्लैक वाली लाइन से, छह बॉन्ड है, एक दो तीन चार पांच छह, और नाम क्या है, ज्योमेट्री का ऑक्ट्राइडल, क्या नाम है, अब हमसे यहाँ पे बॉन्ड एंगल पूछता है कितने बॉन्ड, 120 बॉन्ड है, तो देखो बेटा ध्यान देखो, इन दोनों में बॉन्ड कैसा है, 180, इन दोनों में बॉन्ड कैसा है, और इन दोनों में बॉन्ड कैसा है, 180 180 180, कितने बॉन्ड 180 के, एक दो तीन, तो तीन बॉन्ड तो 180 के, तीन बॉन्ड तो, अब 90 के देखो, एक दो तीन चार, देखो एक दो तीन चार, चार दिख गए, ऐसे पांच छ सात और देखो इस नीचे दिखेगा ना, एक एरा, एक एरा दो, एक एरा तीन और एक एरा चार, एक दो तीन और चार, कितने हुए, आठ, कितने हुए, आठ, आठ तो ये गिन ली और चार बच रहे, आठ हो गए, नौ दस ग्यारह बारह, भाई चार इनमें भी तो 90 के हैं, एक दो तीन चार, चार तो इनमें और ऊपर से दिख गए आठ, तो कितने हो गए, बारह, कितने हो गए, बारह, आगे बात में, नेक्स्ट वन आता है sp3d3, अब sp3d3 में हमें नाम से दिख रहा है बेटा एक एस तीन पी, अब d के कौन से यूज होंगे याद रखना है, तो देखो dx square y square dz square, उसके बाद है dxy, कौन सा है बेटा, याद होना चाहिए कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है, अब सात जने मिक्स होंगे तो नए बॉन्ड सात बनेंगे, अब देखो उन सात बॉन्ड में जो डॉटेड दिखाए ना बेटा, ऐसे पांच बॉन्ड तो ऐसे बनते हैं, उस लाइन को भूल जाओ, तो पांच बॉन्ड तो ऐसे पेंटागोनल में बनते हैं, ये तो मैंने ऐसे लाइन खींच रखी, ये बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड ही है, एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड चार बॉन्ड पांच बॉन्ड, पांच तो ऐसे बने, अब बच गए दो, एक बनता है इसके बाहर की तरफ और एक बनता है इसके अंदर की तरफ, भाई पेंटागोनल है इसके, एक तो बाहर बनेगा और एक है पीछे, असल में तो देखो एक तो कैसा दिख रहा है, पेंटागोनल दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, अब इस पेंटागोनल के बाहर मैंने ऐसा बना दिया, तो अब देखो इसको एक पिरामिड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो क्या हो गया, पेंटागोनल पिरामिड, एक तो बाहर बनेगा नहीं, पेंटागोनल देखो ये है, तो एक तो पिरामिड बाहर बनेगा और एक नीचे, तो नाम क्या हो गया, पेंटागोनल बाई पिरामिड, आगे समझ में, अब पेंटागोनल में ये जो पेंटागोनल वाला ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड आएगा 72 डिग्री, कितना आएगा, तो कितने 72 के बॉन्ड है, एक दो तीन चार पांच, ये तो 72 के, 180 कौन होंगे बेटा, ये दोनों 180 पे होंगे, ये जो बाहर अंदर है ना ये वाले, ये दोनों एक दूसरे से कितने पे होंगे, 180 पे, अब 90 की बात करें, किसकी बात करें, 90 की, तो आपको पता है बेटा, देखो ध्यान से, ये बॉन्ड है तो ये कितने का होगा, 90 का, ये भी, ये भी, ये भी 90 और ये भी, तो देखो एक दो तीन चार पांच, तो पांच तो ऊपर से बने और पांच ही नीचे से, कितने हो गए, 10, समझ में आ गया बेटा, एक छोटी सी लाइन और बोल जाते हैं, चलो एक कली बोलेंगे, चमका क्या, ठीक है,